नमस्कार, मैं विभव श्रीवास्तव, शिक्षा सहायक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। आप सभी का अपने इस चैनल पे फिर स्वागत करता हूँ। आज हम अपने हिमालयन काला भालू के बारे में बात किए हैं हमने इस सप्ताह। तो आज हमारे साथ हैं हमारे जू कीपर, जो इस भालू की देखरेख करते हैं और इस भालू के रखरखाव का पूरा ख्याल रखते हैं हमारे कार्यक्रम में। और मैं आपसे चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में हमारे जो चैनल देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सहायक कीपर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जो है दिल्ली जू में 2003 से चिड़ियाघर से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो मेरे पास जिम्मेदारी है वो सामने देख रहे हैं आप, हिमालयन ब्लैक बियर, जिसकी मैं जिम्मेदारी मेरी 9 से 5 बजे तक की जो ड्यूटी होती है, इसका सारा रख रखाव, खान पीन, साफ सफाई सब की देख रेख मैं करता हूँ। अच्छा, ये जो अभी आपके हमारे पीछे जो भालू दिख रहा है, ये दिल्ली चिड़ियाघर में कब आया? ये जो भालू देख रहे हैं आप, इसका बर्थ यहीं हुआ था, इसका बर्थ हुआ था 1990 में। अच्छा। और ये एक और भालू भी है आपके? हाँ, दोनों ये दोनों बहने हैं। अच्छा। एक इसका इसकी बहन है, बीट नंबर 4 में। अच्छा, ये आपकी बीट नंबर 5? हाँ, ये 90 में हुआ था, वो 92 में। अच्छा, दोनों फीमेल हैं, दोनों मादा हैं ये। अच्छा। तो उम्र 30 के लगभग हो गई है, तो क्या ये मतलब अभी काफी, इसको आप अगर आप सामान्य भाषा में बोले तो क्या ये अपने उम्र के हिसाब से वृद्ध हो चुके हैं या अभी? जंगल के हिसाब से तो ये वृद्ध हो चुके हैं। अच्छा। डेड भी हो चुके हैं, क्योंकि जंगल की जो कहानी है वो बताते हैं कि ये 20 से 25 साल तक इनकी एज होती है। अच्छा। हाँ, और हमारे जू में इस वजह से ये आप देख रहे हैं जो भालू इस टाइम घूम रहा है, लगभग ये 28 से 30 साल की एज में है। अच्छा। और अच्छा हेल्दी है। इसका मेन रख रखाव क्या है कि भाई इसको बढ़िया खाना, अच्छा, चिकित्सक सुविधा, अच्छा, रहन सहन, समय पे जो है फ्रूट दिया जाता, अलग जैसे मौसम के आधार पर जो फ्रूट होता है वो इसको दिया जाता है। अच्छा। मेडिसिन होती है समय समय पर, इसका मेडिकल चेकअप होता है, स्टूल यूरिन। अच्छा। डॉक्टरी निगरानी में होता है। अच्छा। और बंदी अवस्था में क्या, छोटा एरिया है तो इसको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटा एरिया प्रॉब्लम है तो तुरंत इसका पता लग जाता है कि भाई कोई समस्या है, इसलिए ये आज आपके सामने 30 साल की एज के करीब आप देख रहे हैं वालों को। जैसे कि इन भालुओं को खाने में आप क्या क्या देते हैं? अभी जो इनको खाने में दिया जाता है, जैसे तरबूज है, खीरा है। अच्छा। और खीर है। अच्छा। और आपका जो सीजनी जो फ्रूट होता है वो दिया जाता है। तो वैसे तो ये फल पसंद करते हैं? हाँ, फल पसंद करते हैं। जैसे या तो भाई जो लिमिटेड हम दे सकते हैं, जैसे इसको खाने में जैसे दीमक है। अच्छा। वो नहीं मिलता, चींटी है वो नहीं मिलता। अच्छा। हनी है, एक तो हनी आप पेड़ पर चढ़ के खाएगा, एक हम एक नॉर्मल जो डाइट होती है हनी की वो इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे खीरा मिक्स कर दिया। अच्छा। हाँ, तो हनी भी इसको बराबर दिया जाता है। अभी फिलहाल जो सीजन का फ्रूट है वो इसका अवेलेबल है, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा उस हिसाब से इसको हर जो सीजन फ्रूट है वो इसको देते हैं। अच्छा। तो कोई ऐसी घटना जो रोचक हो थोड़ी, ऐसी कभी इस भालू के साथ हुई है आप, मतलब कोई भी ऐसी घटना? काफ़ी समय की बात है, काफ़ी समय हो गया। तो क्या था कि मादा ने बच्चा दिया देने का, कुछ हमारा लग रहा था कि मादा ने अंदर गुफा में है। अच्छा। और वो शायद बच्चा दे दिया जी। और वो काफ़ी समय होगा तो बाहर निकल के आ रही थी। अच्छा। तो सोचा भाई डिपार्टमेंट है कि भाई इसको चेक किया जाए कि भाई इसके अंदर क्या है। तो एक टीम बनी जी। टीम ने जो है उस गुफा में जाके देखा कि भाई इसमें देखे भालू कुछ गड़बड़ मर तो नहीं गया है और कुछ है, तो हम उसमें देखा तो भालू, पूरी टीम अंदर गई भालू के और तो देखा तो भालू बैठा हुआ था बच्चे समेत, और जैसे भालू निकला तो थोड़ी सी आपस में भगदड़ सी मच गई, जिससे कि आदमी को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसे ये पता लगा कि अंदर भालू बड़ा स्वस्थ है और एक बच्चे को उसने जन्म दे रखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब इसके अंदर एक गुफा भी है? हाँ, एक गुफा भी है, जिससे कि अगर ये बच्चा दे तो अपना एक सेपरेट पार्ट जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे विजिटर है कोई पत्थर ना मारे, कोई डिस्टर्ब ना करे,
इसलिए इसका सेपरेट पार्ट बना रखा डार्क रूम टाइप में, वहाँ अपने आराम से स्टे करता है। वैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई आप अगर चिड़ियाघर आते हैं तो कृपया जानवरों को ना छेड़े, ना परेशान ना करें, क्योंकि उनको पत्थर मारना बहुत गलत बात है, आपको इसका जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो जैसे आपने भालू की आदतों के बारे में बताया हमें, वैसे इनके देखभाल के, इनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना। इनके स्वास्थ्य के लिए ऐसा, जैसे इनको हम शाम को जो भोजन देके जाते हैं जी, और सुबह जब इनकी आके इनको देखते हैं कि भालू ने खाना खाया, स्टोल किया, यूरिन किया, कितना खाना खाया, कितना फ्रूट खाया, वो जानवर लेटा हुआ है या सुस्त है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसकी जानकारी हम डॉक्टर साहब को देते हैं कि भाई आज हमारे भालू को ये प्रॉब्लम है, इसने ये खाना नहीं खा, ये फ्रूट नहीं खा या पानी नहीं पिया, तो उसको उसका जो हालात है उस टाइम की उसको देखते हुए डॉक्टर खबर कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मेंटल रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें डॉक्टर साहब आते हैं, बायोलॉजिस्ट सेंटर आते हैं, जू रेंजर हैं, हेड कीपर हैं और संयुक्त निदेशक लघुगम निदेशक साहब भी आते हैं देखने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दिनचर्या हमारी वहाँ उससे शुरू हो जाती है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हमारा हॉस्पिटल है, शिफ्ट करने वाली बात होती है, जानवर को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम इमीडिएटली शिफ्ट करा देते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि हमारे चिड़ियाघर में एक डॉक्टरों की टीम है जो 24 घंटे इन जानवरों की हरकतों पे एक नज़र रखे हुए है। अगर इनके में कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं जो सामान्यता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ इनके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, तो उसके लिए ये डॉक्टरों की टीम तुरंत एक्शन में आती है, तुरंत अपना आती है, यहाँ पे दवाएं देते हैं और कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ कर दिया। मैं सभी दर्शकों से उम्मीद करूँगा जो भी चिड़ियाघर देखने विजिटर आते हैं, सबसे पहले तो वो ये देखें कि हमारी जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे कि हमें आने वाले भविष्य में जो जनरेशन आएगी उनको हिमालय भालू अदर जो एनिमल है वो नहीं देख पाएंगे। जितने भी जानवर जू में हैं वो भी सुरक्षित रखे हुए हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। आप आइए आराम से पूरे जू में घूमिए, जानवरों को देखिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए और अपने परिवार में अपने बच्चों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे जो चिड़ियाघर में जानवर होते हैं जैसे वो क्या होते हैं कि वो जंगल में उनकी आबादी कम हो रही है धीरे धीरे, और चिड़ियाघर में रखने का उनका उद्देश्य भी यही है कि लोग आएँ और देखें और उनसे एक लगाव उनका उत्पन्न हो, जिससे वो कभी जंगल में जो जानवर कम हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास करें। तो हम इसी संदेश के साथ अपनी ये वार्ता यहाँ खत्म करते हैं और हम ये धन्यवाद देते हैं राजेश जी का कि उन्होंने हमारे दर्शकों को अपने भालुओं, अपने जानवरों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और दर्शकों को चिड़ियाघर के जो होते हैं, चिड़ियाघर कैसे प्रबंधन कैसे उसका होता है जब हम किसी भालू किसी जानवर की देखभाल करते हैं, तो उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।